हेलो दोस्तों, दोस्तों आपने अक्सर कचरा लेने वाले को तो सुना होगा, लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई कचरा बेच रहा है? देखिए दोस्तों इस वीडियो को गौर से, और यहाँ पर एक आदमी कचरा बेच रहा है, सूखा ही नहीं गीला कचरा भी ये बेच रहा है। गीला सूखा हर प्रकार का कूड़ा कचरा। भाई साहब एक मिनट, भाई क्या गंदगी फैला रखी है, दुनिया कूड़ा बाहर फेंकती है और तू कूड़ा बेच रहा है। पर इसमें नई बात क्या है? यही कि तू कूड़े वाला लग तो रहा है, पर कूड़ा लेने के बजाय तू कूड़ा बेच रहा है। क्या बात कर रहे हैं साहब, बहुत तगड़ा बिजनेस है ये। घर से कूड़ा उठाने में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कूड़ा बेचने में बहुत तगड़ी कमाई है। पर कूड़ा खरीदता कौन है? आप? मैं? मेरा मतलब आप जैसे लोग, कई कस्टमर है सर, और आप भी कई बार ये कूड़ा खरीदते ही होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पागल हूँ जो कूड़ा खरीदूंगा। सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आप दिन में कई बार ये कूड़ा खरीदते होंगे। मेरा दिमाग घूम रहा है, ऐसा कौन सा कूड़ा कचरा है तेरे पास? हर तरीके का, गीला सूखा, आधा गीला आधा सूखा, सब वैरायटी है। और लोग ये सब खरीदते भी हैं? हाँ हाँ, रोज और दिन में 10-10 बार। ऐसा है मैं पागल हो जाऊंगा, तू कूड़ा दिखा पहले। अच्छा खरीदिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि आज मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लूंगा, कैश लूंगा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ सैंपल देखना है। अच्छा सैंपल देखेंगे, देखिए ये रहा सूखा कचरा और ये गीला। अबे ध्यान से देख, ये बर्गर है ये कोल्ड ड्रिंक है? एग्जैक्टली माय पॉइंट, ये कूड़ा और कचरा ही है। पर एक बात बता, तू इसे कूड़ा बोल के बेच रहा है, इसे खरीदेगा कौन? लो कर लो बात। अरे साहब सबको पता है ये कचरा है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिकता है और लोग इसे एंजॉय भी करते हैं। आपको नमूना दिखाएं? आइए। होटल और रेस्टोरेंट में तो आपने भर भर की भीड़ देखी होगी, एक बार उसे देखिए। उस बेचारे के पास एक भी कस्टमर नहीं है, जबकि वो शुद्ध गन्ने का रस दे रहा है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा है। आजकल दिक्कत तो यही है, दूध वाला घर घर जाके दूध देता है लेकिन कोई नहीं लेता। लेकिन वहीं अगर किसी को शराब पीनी होती है तो वो मीलों दूर चले जाएंगे। क्या है ना कि आजकल लोग स्वाद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सेहत के नहीं। तुम ये जो ज्ञान देते हो उससे लोगों को फर्क भी पड़ता है? पता नहीं, और मैं इन सब चीजों का हिसाब भी नहीं रखता। मेरा एक चीज मानना है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारा असली काम क्या है? कूड़ा तो नहीं बेचते होंगे? नहीं नहीं, ये तो मैं जब भी फ्री होता हूँ तो सामाजिक जिम्मेदारी की तरह लोगों को जागरूक करने निकल पड़ता हूँ। आज आप मिल गए तो आपको समझा दिया। वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट काम क्या करते हो? दिन गिन रहा हूँ। मतलब? सर मुझे कैंसर है। अरे सर आप क्यों दुखी हो गए, बीमार तो मैं हूँ। क्या है ना कि हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं, मन की सुनते हैं दिमाग की नहीं। और मन का क्या है, मन तो साला चंचल है। एक्चुअली मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, जिसके चलते मुझे घर से दूर आना पड़ा। तो तब से ये जंक फूड, ये आसी बासी उल्टा सीधा खा के मुझे कैंसर हो गया। तब से मेरी यही कोशिश है कि जो मुझे हुआ है वो और किसी को ना हो। तो बस जब भी फ्री टाइम होता है तो अपना ये झोला लेके टांग के निकल लेता हूँ जागरूकता फैलाने। यार आज का दिन बहुत अलग है, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज के बाद मैं कभी ये सब चीज़ें ना खाऊंगा ना पीऊंगा, और दूसरों को भी जागरूक करूंगा कि वो भी आज के बाद ये सब उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं ना। देखा दोस्तों, इस वीडियो में आपको देख के समझ आ गया होगा कि गीला कचरा क्या है और सूखा कचरा क्या है। दोस्तों ये कचरा हम अपने फैमिली को खिला रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस कचरे से अपनी फैमिली को बचा सकें, तो दोस्तों आज आपको इसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे खाने को वो कचरा क्यों बता रहा है। दोस्तों चलिए दोस्तों इसको एक साइंटिफिक तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए इस पिक्चर में आपको क्या सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? एक तरफ लैपटॉप है, दूसरी तरफ मोबाइल है, तीसरी तरफ हम लोग हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम सब के सब मूवेबल हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते हैं। अब अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? बैटरी से, और बैटरी को ही हम सेल कहते हैं। और ये जो अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, बैटरी की बात करते हैं, इसको मापने का एक तरीका होता है, वो होता है वोल्टेज। हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा जो निर्माण हुआ है, हम बने हैं सेल से। एक छोटी सी सेल्स में लगातार डिवीज़न होता है, उसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी सेल। सेल से बनते हैं टिशू, टिशू से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। अगर आप एक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल के अंदर भी
क्या होता है, एक माइटोकांड्रिया होता है जिसे पावर हाउस कहा जाता है, और वो बनता है मिली वोल्ट से। यानी जिस तरह से मोबाइल की बैटरी सेल के अंदर वोल्टेज होता है, उसी तरह हमारे जो सेल होते हैं वो भी वोल्टेज से ही बनते हैं, उसको मेज़र करते हैं मिली वोल्ट में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर हर मिनट लाखों सेल को डैमेज करता है और लाखों ही सेल हमारे शरीर में बनते हैं। अब दोस्तों, हम जब बीमार होते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम बीमार नहीं होते, हमारे उस पार्ट के जो सेल हैं वो बीमार हो जाते हैं। अगर हमें किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी के सेल डैमेज हो गए, अगर हमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट के सेल डैमेज हो गए। जब हमारे सेल रिकवर हो जाते हैं तो हम यानी ठीक हो जाते हैं। तो ये होते हैं हेल्थी सेल और अनहेल्थी सेल। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिस पे लिखा है सेल वोल्टेज, सेल पीएच और स्टेटस। यानी हमारी जो नई सेल है उसको बनने के लिए हमें जो चाहिए -50 वोल्टेज एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जो मिलती है हमें 7.8 पीएच। यानी जब हमारी बॉडी का पीएच 7.88 होगा तब जाके -50 मिली वोल्टेज एनर्जी जनरेट होगी जो नए सेल को बनाने में हेल्प करती है। इसी तरह आपको सेल का यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। नॉर्मल जो किड्स होते हैं उनकी जो सेल होती है उसका जो वोल्टेज होता है वो -35 होता है, इसीलिए बच्चे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सेल का वोल्टेज कम होना शुरू हो जाता है। यानी -25 मिली वोल्ट पर वो नॉर्मल एडल्ट का होता है, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो उसी सेल जो हमारा वोल्टेज होता है -15 हो जाता है। हम लोग थके हुए होते हैं या बीमार होते हैं तो -15 और -10 हमारी सेल का वोल्टेज होता है। दोस्तों, जब ये वोल्टेज प्लस में होना शुरू हो जाता है तो ये हमारी सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, और जब हमारी सेल का बढ़ते बढ़ते हमारा जो वोल्टेज है +30 हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखें माइनस वोल्टेज वो अच्छा है, प्लस वोल्टेज वो क्या है, हमारे लिए ख़राब है। यानी +30 वोल्टेज अगर हमारी सेल्स का हो जाता है तो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये चार्ट समझ में आ गया तो आपको जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो कचरा ही नज़र आएगा। यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है हमारी पीएच कम हो रही है। आप देख पा रहे हो कि 0 पे 7 पीएच है, और जैसे +5 पे पीएच घट रही है 6.9, फिर +30 पे 6.48। यानी कैंसर होने के लिए हमें अगर हम 6.5 पीएच का खाना खा रहे हैं, 6.5 पीएच का पानी पी रहे हैं दोस्तों, तो हमें क्या होगा, उससे जो हमारी सेल होगी वो डैमेज हो जाएगी। यानी उसको जो एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट इसी को बोलते हैं, और इसी से हमें क्या होगा, कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी हम जो खाना खाते हैं उसमें अगर हम कलीफ्लावर खाएं, रॉ स्पेनिज खाएं, यानी हरी सब्जियां जितना हम खा रहे हैं, पोटैटो स्किन हो गया, रॉ चेरी हो गया, लेमन हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनकी पीएच क्या होती है, 9, 8 और 10 होती हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। हमें वही चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए जिनकी पीएच 8 से ज़्यादा है, जैसे एप्पल हो गया, टोरंटो हो गया, टर्निप हो गया, बेली पेपर हो गया, एलमंड हो गया, फ्रेश ऑलिव ऑयल हो गया, रेडिश हो गया, ये सब दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत बेटर हैं, जिनसे हमें एक हेल्थी फूड मिलता है। अब ख़राब चीज़ क्या है, अब यहाँ पर जो हमारा टैप वाटर मतलब ऑयल हो गए, अब अगर हमारे घर का पानी 7.5 पीएच का है या 7 पीएच का है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों थोड़ा सा चलते हैं नेगेटिविटी की तरफ कि जो लो पीएच का फूड है वो क्या है। जो अभी हमने दोस्तों जो वीडियो देखी उसमें बताया गया कचरा, अब इसको कचरा क्यों कहते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे शुगर हो गया, बटर हो गया, व्हीट ग्रेन हो गया, यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं, चिकन वगैरह हैं, ये सब क्या है दोस्तों, राइस हो गया, ये सब एसिडिक है जिनकी पीएच 5 है। उससे कम पीएच कॉफ़ी हो गया, व्हीट हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, बीफ हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, इन सब की पीएच 4 है, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और इससे भी ज़्यादा यानी 3 पीएच का जो हम सोडा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, यानी गुड चीज़ खा रहे हैं,
टोबैको खा रहे हैं, स्वीट खा रहे हैं और ब्लैक टी के अलावा हम ज़्यादा काम कर रहे हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं, वो भी हमारे शरीर में एसिडिटी उत्पन्न करता है। यानी आप महसूस करते होंगे कि जब आपका जो सोने का खाने का जो टाइम टेबल चेंज हो जाता है, उससे भी हमारे शरीर में एसिडिटी बन जाती है। तो दोस्तों, इन सब की वजह से हमारे शरीर में एसिडिटी बनती है। एसिडिटी की वजह से हमारा जो वोल्टेज है वो प्लस हो जाता है, और वो जब प्लस होकर के प्लस 30 तक आ जाता है तो हमें कैंसर तक हो सकता है। दोस्तों, इसी रीजन से मना करते हैं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है, बाहर का खाना है, ये हमारे लिए एक तरह से कचरा है, एक तरह से जहर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो आज की डेट में नीड बन चुकी है, इसके बिना जीवन चल ही नहीं पाएगा। हाँ दोस्तों, सही बात है। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि खाने की इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में सिर्फ 30% है, 70% हमारे शरीर में पानी है। दोस्तों, अगर हम पानी लगातार पी रहे हैं, ज़्यादा पी रहे हैं, तो इस कचरे का हमारे शरीर पे असर होने वाला नहीं। बट दोस्तों, अब हमें चेक करना है कि क्या हमारा पीने का पानी सही है। अगर दोस्तों हमारा पीने का पानी 7 PS से कम अगर हम पी रहे हैं तो दोस्तों सावधान। क्यों? क्योंकि हम अपनी फैमिली को कचरा तो खिला ही रहे हैं जो एसिडिक है, साथ में पिला भी रहे हैं जो एसिडिक है, जिसकी इम्पोर्टेंस हमारे शरीर में 70% है। दोस्तों, आप अपने घर का पानी चेक करवा सकते हैं। हमारी टीम आपके घर में डेमो देगी कि आपका पानी लाइव है या डेड है, कहीं आप अपने बच्चों को कचरा तो नहीं पिला रहे। तो इसके लिए व्हाट्सअप कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर, ताकि हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर सके और आपके घर पर आपको डेमो दे सके, या आप अपने घर का पानी चेक करा सकते हैं हमारे ऑफिस में और वहाँ पर आकर के हमारे लैब टेस्टिंग से पता कर सकते हैं कहीं आपका पानी एसिडिक तो नहीं। दोस्तों, पानी में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिससे पानी लाइव होता है और जो हमारी फैमिली को एक जीवन दान दे सकता है। दोस्तों, अगर आपका पानी सुधर जाए तो आपके घर में होने वाली सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी हमारे सेल्स पर असर करता है। हेलो दोस्तों, मेरे सामने ये जूस रखा है मौसमी का, जिसका ORP -180 है, जो कि हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट होता है। माइनस में अगर एक भी डिजिट ORP की आती है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, और प्लस में ऑक्सीडाइजिंग है। इसके लिए दोस्तों 2 घंटे का वर्कशॉप हम अरेंज कर रहे हैं आपके ही शहर में। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए और पता कीजिए आपके शहर में ये वर्कशॉप कब होने जा रहा है, और आप हमारे ऑफिस में आकर भी अपना पानी चेक करा सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर आप प्रॉपर तरीके से पानी पी रहे हैं तो आपको दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोस्तों, अपनी फैमिली को कचरा और जहर खाने से बचाइए, सिर्फ पानी चेंज कीजिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में, तब तक बाय बाय दोस्तों, हैप्पी अर्निंग फ्रेंड्स।